हम करंट मैटर विधायक गायक रमेश यादव और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी 373 विधानसभा जखनिया पूरी पार्टी की ओर से जो अभी अभी मऊ जनपद के विधानसभा घोसी में उपचुनाव हुआ 8 तारीख को जो रिजल्ट आया समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। मैं वहां की जनता को वहां के वोटरों को सपोर्टरों को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और हमारे महबूब विधायक माननीय श्री सुधाकर सिंह जी को और एक बात की चर्चा है एक छोटा सा मुन्ना समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही महाराजगंज गोरखपुर का जो कि महाराजगंज छोड़ करके रातों दिन समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए घोसी मार करके प्रचार कर रहे थे जिनकी चर्चा का विषय है नवरतन लाल यादव जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में हर मजहब के लोगों का सम्मान मिलता है लेकिन ये चुनाव में विपक्ष के लोग बहुत बड़ा बड़ा जनता के बीच में वादा कैलन ई गीत हमार नंदलाल राजभर गुरु जी के लिखल बा सामने बैठल भी हूं हमारे कोर्स पर भीम राजभर जी हुवन कोर्स पर हमारे मनोज राजभर जी हुवन ई गीत से कोनो ही पक्षपात वाली बात नहीं है क्यों दिल पर न ले कहे से कि सच्चाई कहे में हम डराइत नहीं तमाम विराह करंट मैटर से लेके आप लोग हमारे आवाज में सुनीला बड़ा प्यार दुलार देहिला लेकिन नंदलाल राजभर गुरु जी लिख ले वही पियरका चाचा बदे जवन राजनीति में अपन कुल अस्तित्व खो देले हुवन कैसे अब उनके बारे में बहुत ज्यादा बतावे के नहीं हो उनके अस्तित्व के बारे में उनके चरित्र के बारे में आप सब लोग जानत हुआ इनके खाली पैसा चाहिए पार्टी से मतलब नहीं हो पार्टी को बदल लिया है इनके कोनो गारंटी जे हर फायदा इनके मिली वहां इनके झुके में कोनो दिक्कत तकलीफ ना हो। एक लाइन बड़ी ऊंची बात हमारे नंदलाल राजभर गुरु जी लिखलन का पियर गमछा ले के राजा भर लो के जुटा वाला जहां मिलल पैसा वही जा सबके गोली लावाला सत्य है सच्चाई कभी छिप नहीं सकती झूठ बोल के केहू के कबले या जुरई बा डिजिटल इंडिया है जब राजनीति में आए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी
अपने राजभरण लोग से घूम घूम के कहे लगलन कि हर बिरादरी के लोग अपन अपन घर बना लिहलन, अपन अपन पार्टी बना लिहलन, तोहलू कहर नहीं बा। अगर आप लोग का सहमति हो तो हम खुद के पार्टी बनाई, सब लोग मिल के साथ दा, पियरका गमछा के पगड़ी बांध के सबके गोलिया लेलन। गोलियाला के बाद लेकिन बहुत बड़ा बड़ा वादा कैलन कि हम समाज के बदे काम करब, लेकिन जीवन बोलल न सीधा होकर उल्टा करल, इनकर ही खासियत हो। लेकिन एक लाइन और निकलन गुरु जी हमरे का, इनके कारनामे पर हमें प्रदीप कवि जी एगो कहानी याद आ गई। एगो कुतिया रहल, बच्चा देत रहल, आ तनी देरी भई, बड़ा इंद्र साहेब बा, बड़ा तकलीफ बा, तकलीफ हुए जानी गुरुजी जकरे ऊपर गुजरल होई। अपने कुकुरा से कहलस कि का हो स्वामी जी, बड़ा तकलीफ में है, एकर कोनो निवारण करता कोनो देवी देवता के मनोता हमार उद्धार हो जाते कष्ट से, हम जौन है कि बाहर हो जाए। कुकुरा कहलस कि आखिर हम करी का, के मनाई हमहू तो परेशान न है, कहीं हमार जगह ना रह गई, हम कह जाई कैसे, जहां जहां कहे के बा वहां वहां तो बिगाड़ी घर ले, हम कैसे कही, कैसे बढ़िया बाकी जेवन तकलीफ है के धीरे धीरे सहला रानी वही में भलाई है। इनकर हाल हो प्रकाश राजभर जी का, हाँ वो है बतिया कि मतलब कौनो चौरा न बाकी है, फूल जगह तो जल चढ़ाई ले रही, अब कहा जल चढ़ाई। लेकिन एक बात और गुरु जी हमारे लिखलन है का, जकरा में पहला बीरो दिन के गरिया वाला, छोड़ मंत्री बने लावा गईला, देखा ये जब पार्टी बनौलन तो अपने बिरादरी के लोगन से कहलन कि मैं कसम खाता हूँ अपने चुनाव न लड़ब, अपने बिरादरी के लोग देखब, बाहरी कास्ट के लोगन के देख के अपने पार्टी के वर्चस्व खड़ा करब। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी से जब गठबंधन हुआ विधानसभा के चुनाव में, 16 सीट इनको मिली। अब सुन लिया भैया राजभर बिरादरी के लोग, ये जो कसम सोहन लोग से खैले रहलन ये वही सच्चाई है, 16 सीट लेकर के जिम्मे अपन कसम तोड़ देलन, कहले कि हम चुनाव ना लड़ब, लेकिन एक सीट पर अपने और एक सीट पर अपने बेटे को चुनाव लड़ाए, ये ना बाकी 14 गो सीटिया राजभर बिरादरी के लोगन के अंधकार में रख ले हुए, बुझतो कि अमन का घर बना था 2 तल्ला 3 तल्ला या 5 तल्ला बन जाए, लेकिन सीधे दुरुपयोग ओम प्रकाश राजभर करत हुन, 2 सीट अपने ले लेलन, 14 गो सीट जमन रहल उ सीट रुपया पर बट्टी बेच देलन। समाजवादी पार्टी में जब थे बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे कि मैं जब तक
जोगी जी के मठ में ना भेज ले, मोदी जी के गुजरात ना भेज ले, तबले हमें चैन नहीं मिली। इसके बाद अब देखा यह हाल, इनके बदले में टाइम नहीं लगल। अब वह जोन पहुंच गईलन भारतीय जनता पार्टी में कि हो सकत सरकार बा कई मंत्री उंत्री पद मिल जाये, लेकिन एक पहलवा जोन उरेहले हुआ तो के मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी पार्टी स्वार्थ में अपने पास में मिलावे ले। स्वार्थ है तो ठीक बा, नहीं तो तोरे मन कुछ नहीं। अब जे समझे वाला के इशारा काफी हो। ए भैया, यही घोसी वाला चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अगर दारा सिंह चौहान को नहीं जीता लिया तो असल बाप का बेटा नहीं। ऐसा ऐसा बात कहे वाला ही नेता हूं। अरे भाई साहब, आप नेता है, कम से कम कुछ भी कहने बोलने से पहले सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा। कहे से डिजिटल इंडिया मीडिया को लोग चप्पे चप्पे पर हुआ, कब कौन बात के धुआं में उड़ा दिए कोनो गारंटी नहीं हो। इनका हालत बा, परिणाम आप लोग घोसी वाला देख ले तो कहना हो। इस गीत से केहू भी भाई हमार निवेदन बा कि अपने दिल पर मत लिया, सच्चाई जो है बाप के सामने रख ली रहा। एक चीज पे आप लोग जानिए ला, वहां की जनता, मैं यही नहीं कहता कि यादव बिरादरी के लोग केवल वोट दिए, नहीं, इतना बड़े मतों से सुधाकर सिंह जीते हैं तो कहीं ना कहीं हर बिरादरियों का वोट और सपोर्ट है। हम केहू के काटत नही, सबकर समर्थन सबकर सपोर्ट मिलल समाजवादी पार्टी के जीत भाई, लेकिन जो सही संदेश हमारे गुरु जी नंदलाल राजभर गुरु जी निकल ओके आपके बीच में रख देली, ऐसा आदमी हूं पियरका चाचा, तो अब से भी इनके चक्कर में पड़ला के नहीं काम बा, अपन जगह खाले ला का काम है। तो पहले जब सपा में रह के बड़ी बड़ी बात बोलत रहला बीजेपी बदे, अब फिर वही गायल हुआ तो समरल या तोहरे बदे भी संदेश हो। तो के मरी है ऐसन मार भैया मना रूता, अब जाइबा के कारे तुआर भैया मना अब्बो से पियरका चाचा सुधर जा।